नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं प्रभात कुमार और आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं एक फ्रेश वीडियो में। ट्रेडर्स, हमने आज के लिए क्या बताया था कल वाली वीडियो में कि आज होगी भयंकर तेजी। क्या हुआ? एग्जैक्टली सेम हुआ। आज हमने पीटीएस ऐप पे 42,200 का कॉल ऑप्शन दिया, शानदार रिटर्न दिए। इनफैक्ट मैंने हमारे टेलीग्राम पे 42,200 का कॉल ऑप्शन दिया और स्पॉट बाय बोला। दोस्तों, दोनों ने शानदार रिटर्न दिया। ट्रेडर्स, आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, हमारी पीटीएस आर्मी ने जबरदस्त पैसा बनाया। नाउ इस वीडियो में मैंने बताया है कल के लिए, कल क्या है फायरी, कल के लिए बेस्ट जीरो टू हीरो ऑप्शन ट्रेड, दो ऑप्शन ट्रेड मैंने बताए इस वीडियो में। इसी के साथ बेस्ट प्रेडिक्शन, ये यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट प्रेडिक्शन होने वाला है एक्सपायरी के लिए, इसको आप लिख लीजिए। और दो स्टॉक भी मैंने डिस्कस किए जो कि वेल परफॉर्म करेंगे कल के सेशन में। ट्रेडर्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है, ऑप्शन ट्रेड जैकपॉट बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा, ये बताया है वीडियो में, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। और कल आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं इस वीडियो पे मेरे को 10,000 लाइक्स और 800 प्लस कमेंट मिले। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट, हमारी जो पीटीएस आर्मी है ना, उसको जरूर कंप्लीट करेगी। एक चीज और बता दूं मैं, हमारा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी 7.0 लॉन्च हो चुका है, आगे आप इसके बारे में और जानेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। ट्रेडर्स, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बट इससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा दूं एक्सपायरी के लिए। देखिए, पहला फैक्टर हमारा क्या है, पहला फैक्टर है जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो फ्लैट हैं अभी, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है, 42,500 पे हैवी कॉल राइटर हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। यानी यदि ये लेवल आधे घंटे पौने घंटे सस्टेन हुआ तो हमको एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। थर्ड हमारा मेजर फैक्टर ये है, FIIs एज वेल एज DIIs दोनों बाइंग में हैं, और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जो हमारा बैंक निफ्टी है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, वो हमको थोड़ा सा झुकाव किसके साइड लग रहा है, बाइंग साइड, ठीक है। तो ये हमारा मेजर फैक्टर है। चलिए अब चलते हैं चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। पहले तो आपको बोलना चाहूंगा, आप हमारी जाके ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, भयंकर तेजी आ सकती है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, तो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। अब कल के लिए देखो क्या है, हमारा बैंक निफ्टी लास्ट में रेंज बना के गया है, देखो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब फ्लैट खुलता अगर हमारा बैंक निफ्टी, और फ्लैट खुलने के बाद ये क्या बॉक्स पैटर्न देख पा रहे हैं, ये बॉक्स पैटर्न का हायर एंड है 42,550, इसके ऊपर अगर 10 से 15 मिनट सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर बाय। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा झुकाव बाइंग साइड है, लेकिन कब बाइंग साइड है, जब 42,550 के ऊपर सस्टेन करेगा 10 से 12 मिनट, टारगेट होगा 42,650 और 42,700 हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। और 42,700 टूटता है तो 42,800 का हमारा तीसरा टारगेट होगा। देखो मैं आपको लॉजिक दिखाता हूं, 42,700 मैंने क्यों टारगेट दिया, क्योंकि 42,700 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 6 जनवरी का, देख पा रहे हैं, हर बार आता है, जाता है, नीचे आता है, जाता है, नीचे आता है। इस डेटा के लिए एक लाइक तो बनता है ना ट्रेडर्स, राइट। यहां पे यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक 42,400 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं कल वाली एक्सपायरी, 19th ऑफ जैन वाली एक्सपायरी, ये आपको 210 और 200 के आसपास बाय करके चलना है, 180 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट वुड बी 250, 270 एंड 300 का हमारा, ये तीन टारगेट होगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको प्रीमियम बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड लेने हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एंजल ब्रोकिंग या तो अलाइस ब्लू, दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन करके हमारे लिंक के थ्रू फंड ऐड करिए, ट्रेड स्टार्ट करिए और हमको समय पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आज हमने बहुत ज्यादा ट्रेड दिए हमारे प्रीमियम ग्रुप पे, बहुत ही शानदार रहा, स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं सामने, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लैट, समझा दिया। अब चलते हैं कि आपको फ्रेश शॉर्ट कवरिंग कब देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 42,550 मैंने क्यों बोला पता है, क्योंकि 42,500 के ऊपर हैवी कॉल राइटर, आपको ध्यान होगा, अब जैसे ही कुछ देर सस्टेन करेगा वो जो सारे कॉल राइटर हैं वो दुम दबा के भागेंगे, उससे क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अब सुनो, अब ये जो बॉक्स पैटर्न है 42,700 का हमारा, सॉरी 42,700 का हमारा लेवल है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर यदि 30 मिनट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं बैंक निफ्टी में फिर टारगेट देखने को मिलेंगे 42,800
एंड 42,850, ये दो टारगेट होंगे। अब यहां पे आपको कौन सा कॉल ऑप्शन लेके चलना है ये बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को देखते रहिएगा प्लीज, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, गैप डाउन खुलेगा और गैप खुलेगा तो मैं अवॉइड करके चलूंगा, ठीक है। फिर आप लोग मेरे डिसीजन का वेट करिएगा टेलीग्राम और पीटीएस ऐप पे, समझ गए हैं। नॉर्मली मैं थोड़ा, अगर गैप डाउन खुलता है ना तो थोड़ा मैं बाइंग साइड रहूंगा, ध्यान रखिएगा, ये मेरा, मैं मतलब ऐसे ट्रेडिंग करूंगा। गैप अप खुलता है तो मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करके चलूंगा। कल चूंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा क्वांटिटी आप कम काम करिएगा। ट्रेडर्स चूंकि एक्सपायरी है तो 30-40% चांस है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, सुनिएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं आप लोगों को ये सेलिंग का लेवल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मान लो मैंने बाइंग लेवल दे दिया, मार्केट आ गया नीचे, तो वहां पे तो फंस जाओगे आप बोलोगे सर आपने तो फंसा दिया, आपने तो सर बाइंग क्या दिया था, समझ रहे हो। तो मेरा झुकाव थोड़ा बाइंग साइड है 42,550 के ऊपर स्पेशली, लेकिन ट्रेडर्स मैं चाहता हूं कि आप अपना व्यू भी चेंज कर लें यदि बैंक निफ्टी इस बॉक्स पैटर्न के नीचे तोड़ देता है, दैट मीन 42,350 के नीचे मैं और हमारी पीडीएस फैमिली सेलिंग में आ जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये 30-40% के इसमें से हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, दोनों साइड जा सकता है मार्केट, ध्यान रखिएगा। इसके अपडेट मैं आपको पीटीएस ऐप और हमारे टेलीग्राम पे दूंगा। ट्रेडर्स अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको ये वाली वीडियो में क्या बताया था, कल वाली वीडियो में, कि एक मैंने डेटा दिखाया था कि ये ऐसे पैटर्न फॉर्म करता है ब्रेकआउट देता है, ऐसा पैटर्न फॉर्म करता ब्रेकआउट देता है, एग्जैक्टली यही हुआ। अच्छा मैं छोड़ो मेरी बात, हुआ कि नहीं हुआ, कल आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूं। देखो मैं झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जो जो मैंने कल बताया एग्जैक्टली वैसा हुआ, आप खुद बताओ, ठीक है। तो बस मेरे को सपोर्ट चाहिए यार ट्रेडर्स, मेरे को 49% में देखता हूं, ऐसे लोग हैं जो लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट देता हूं, क्वालिटी पावरफुल कंटेंट देता हूं, आप लोग सब्सक्राइब करिए जो लोग नए देख रहे हैं, और शेयर भी करो और कमेंट तो करो यार, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि चलो ठीक है मेरी मेहनत रंग ला रही है कि नहीं, समझ रहे होंगे। ट्रेडर्स अगर आप मार्केट में केवल 45 मिनट स्पेंड करके आप पैसा बनाना चाहते हैं, और अगर आप मार्केट में केवल 10 पैसे पहले प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी 7.0 लेके आया हूं। ये स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग का ब्रह्मास्त्र है, आप, मैं गारंटी दे दूं इस स्ट्रेटजी से आप लोग मतलब विद इन 45 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जी हां राइट। आपको पूरे दिन मार्केट में टाइम स्पेंड करने का आवश्यकता ही नहीं है, नीड ही नहीं है। क्या करना है परचेस करने के लिए, हमारा पीटीएस ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे हमने ये लॉन्च कर रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, और एल्स आपकी सुविधा के लिए मैंने डायरेक्टली परचेस लिंक भी कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आप उसे ही परचेस कर सकते हैं। एक चीज और प्रूफ के लिए, स्क्रीन के सामने हमारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी परचेस की है फीडबैक दिख रहे हैं, पढ़िए वीडियो पॉज करके, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या पावर है इस ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी में। तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा परचेस करिए और नेक्स्ट डे से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जानते हैं निफ्टी का व्यू, निफ्टी में सारे टारगेट हिट हुए, ठीक है। अब देखो निफ्टी कल के लिए क्या सिनेरियो है, 10 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, क्या हो रखा है, ये काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न और ये काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हो रखा है। तो निफ्टी में हम कल बाय करके चलेंगे फ्रेश बाय अबव 18,180 के ऊपर फॉर द टारगेट ऑफ 18,230 एंड 18,250, गॉट इट। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना यदि निफ्टी डिप देता है 18,130 एंड 18,100 तक का, तो बाय ऑन डिप करके चलना है, 18,160 एंड 18,200 का हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। ये है निफ्टी का व्यू। ट्रेडर्स अब मैं आपको एक बड़ा अलर्ट देने जा रहा हूं, अलर्ट क्या है, आप लोगों को अवॉइड कब करना है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग। ये आपको रेंज दिख रहा है, अब यदि इस रेंज के अंदर रहता है बैंक निफ्टी तो मैं बता दूं ट्रेडर्स लोग जो नए हैं अवॉइड करिएगा, ठीक है। ये रेंज है 42,550 और 42,350 के आसपास, ये 200 पॉइंट का रेंज अवॉइड करके चलना है नए लोग। बाकी ट्रेडर जिसको स्कैल्पिंग आती है वो यहां पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है, नहीं तो हमको ब्रेकआउट पे ही काम करके चलना है, ध्यान रखिएगा। ये जस्ट मैंने बताया है स्कैल्पिंग के लिए। जानते अपने स्टॉक्स, दो स्टॉक है गोदरेज सीपी और एमएफएसएल, बाय करके चलना। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलना चाहूंगा हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल और हमारे पीटीएस ऐप पे। वंस अगेन हमने प्रूफ किया कि मैं जितना बढ़िया ट्रेड देता हूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमसे बढ़िया ट्रेड देता है, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। आज हमने हमारे पीटीएस ऐप पे दो बार हमने ट्रेड दिया, 42,200 का कॉल ऑप्शन 50 पॉइंट देखने को मिले, 42,300 का कॉल ऑप्शन 70 पॉइंट देखने को मिले, ये पावर है। हमने यहां भी साथ नहीं छोड़ा, मैंने टेलीग्राम पे 42,200 का कॉल ऑप्शन दिया, 60-65 पॉइंट देखने को मिले, ठीक है, जाओ क्रॉस चेक करना। और वो तो छोड़ो, मैंने बैंक निफ्टी को बाय बोला स्पॉट, जिसने मेरे मैसेज को देख के स्पॉट में बाय किया होगा, देखो 10:54 पे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, 42,350 के ऊपर मैंने बाय बोला
और तीनों टारगेट हिट किए बैंक निफ्टी ने। जिसने कॉल ऑप्शन लिया होगा ये मैसेज देख के आज उसके आनंद आ गए होंगे। और मैंने YouTube पे जो कॉल ऑप्शन दिया था वो भी शानदार रहा। ऑप्शन ट्रेड देने वाला हूं PTS ऐप और हमारे टेलीग्राम पे। डाउनलोड कर लो PTS ऐप, ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। ध्यान रखना, एक चीज बच के रहना, टेलीग्राम पे बहुत फ्रॉड चल रहा है हमारे नाम पे, ठीक है। जो फ्रॉड लोग हैं पेड टिप्स दे रहे हैं, मैं कोई पेड टिप्स नहीं देता, वो हमारे नाम पे आप लोगों से पेड टिप्स मांग रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोई पेड टिप नहीं देता हूं, अवॉइड करना, ब्लॉक करना, बच के रहना, ठीक है। तो भाई हमको गोजेट सीपी बाय करके चलना है 930 के ऊपर, बाय अबव 930, एंड MFSL को बाय ऑन डिप करके चलना है अराउंड BOD 818 के आसपास, 818 टू 820 के आसपास हमको बाय ऑन डिप करके चलना है। दिस इज इट फॉर टुडे। आइए जानते हैं अब जो हमारा सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड है। मैंने क्या बताया, 42700 का अगर लेवल सस्टेन करता आधे घंटे तो बाय करके चलना हमको 42600 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये हमको बाय करके चलना है। ये आप यू कैन डू वन थिंग ट्रेडर्स, ये आपका जीरो टू हीरो हो सकता है। कब बाय करके चलना, सुनो, जैसे ही 42700 को सस्टेन करेगा उसका उस टाइम पे जो भी CMP चल रहा होगा बाय कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी हमको जरूर फॉलो करिए सोशल मीडिया हैंडल सच एज फेसबुक और इंस्टाग्राम, बढ़िया बढ़िया स्टॉक मार्केट के कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूं। ट्रेडर्स ध्यान रखिए, कल मैं लाइव आने वाला हूं YouTube पे, ठीक है, तो एक्सपायरी जबरदस्त होने वाली है आप लोगों की। थैंक यू, मैं मिलता हूं कल, बाय बाय।